मैच नंबर 13। याना दर्जी का डिफेंस है, अब तक ओमकार ने एक भी ड्रीम रन लगाया नहीं है। डिफेंडर को बाहर आना पड़ेगा, दीपेश गोरे का शिकार हो चुका है, लेकिन साथ ही साथ ड्रीम रन भी आई। दाहिनी तरफ मैच टाइम 3 मिनट ये हुआ, ड्रीम रन एक और आया, एक के बाद एक और आएगा। इन्होंने जो कमाए हैं वो 10 ही है। वजीर ज्यादा पॉइंट्स नहीं निकाल रहे पावर में, ये समस्या लगातार बनी हुई थी। 3 मिनट के बाद हर 30 सेकंड आपको एक और ड्रीम रन बनाने का मौका देता है और दो खिलाड़ी अभी भी एक्टिव। चलिए ड्रीम रन आ चुका है, आपका रिव्यू भी बचाया, साथ ही साथ बचाया खिलाड़ी को, और मोर इम्पोर्टेंटली आपको मिला वो समय जिससे आप ड्रीम रन लगा सकते हैं। 4 मिनट वाला ड्रीम रन भी होने वाला है प्रभु, 3 पॉइंट लगातार ड्रीम रन के। किस तरीके का डिफेंस रहेगा इस टीम का, एक और टच पॉइंट आया, लेकिन साथ ही साथ ड्रीम रन भी लगाया है। आप 15 से 16 पर जा सकते हैं, एक ही ड्रीम रन संभव है बस, लेकिन वो एक पॉइंट भी कीमती हो सकता है। तीन सेकंड का समय बचा है, वो भी पूरा होगा, ड्रीम रन आ चुका है। अरुण जुल्की ने स्काई डाइव शानदार है, टीम्स के बीच में पिछले सीजन का फाइनल एक पॉइंट में डिसाइड हुआ था, उड़ीसा जीती थी, और आज भी एक पॉइंट से डिसाइड हुआ है, आज तेलुगु योद्धा जीती है प्रभु।